हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग अगर इस चैनल पे नया हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में हम देखने वाला है सऊदी अरब का दुकान, किराना स्टोर, रेशन की दुकान। बस सऊदी नहीं, पूरी गल्फ कंट्री में जितना दुकान है 90% दुकान केरला का लोगों का है। चलिए आज देखते केरला की लोगों से बात करके, चलिए वीडियो को शुरू कर और इनसे कुछ आइडिया लेते सऊदी अरब में कौन सा काम में आना चाहिए। Assalamualaikum, hi everyone, मैं हूँ सऊदी अरब में। सऊदी अरब में से बगला बोलता है, जैसे कि किराना स्टोर, ये है किराना स्टोर सऊदी अरब की। ये मेरा एक भाई है, ओनर है। हाय भैया, आप सऊदी में कितना साल से हो? सऊदी में मैं अभी 8 साल से, इधर अभी 11 महीना हो गया। 11 महीने। आप केरला से हो? केरला से। कौन सा स्टेट? डिस्ट्रिक्ट कोल्लम। कोल्लम, 8 साल बहुत दिन हो गया। इधर नहीं आए, दूसरा जगह में पहले। अच्छा, पहले किसी में था, अभी इधर 11 महीना हो गया। मतलब सऊदी अच्छा है हम इंडिया के लिए, कमाने के लिए सही है। सही है, कमाने के लिए सही है। ये है बगला, हम लोग का उधर जैसे कि किराना स्टोर रहता है, ऐसा ये किराना स्टोर है सऊदी अरब का। मतलब ये मेरा केरला का भाई है, कोल्लम का, तो आप लोग देख सकते हैं। मतलब एक ही बगला में सब कुछ मिलता है, एक ही किराना स्टोर में। इधर का चिकन ऐसा रहता है, जैसे कि ये है चिकन, चिकन फ्रीजर में रहता है, एकदम रेडी है। मतलब हम लोग जैसे, हम लोग का इंडिया में जैसे किराना दुकान है, यही किराना स्टोर है इधर, मतलब अलग टाइप का। और भैया सलाम अलैकुम। सलाम, और कैसे हो? बस बढ़िया है, आप बताइए। आप बताइए। हाँ एकदम बिल्कुल ठीक। ठीक है, ठीक। आप इंडिया का यूपी से है? यूपी। यूपी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गाजीपुर। गाजीपुर, अच्छा। कितना दिन हो गया भैया आपका? 4 साल होने वाला है। अच्छा, बहुत दिन हो गया। जो हमारा भाई लोग आना चाहते हैं उन लोग को क्या बोलेंगे, आए सऊदी से? ये हाँ, जो आ चुका है, जो रह चुका है, जो मतलब वो तो मतलब आएगा ही। हम नया है, नया के बारे में क्या बताया जाए। आने का क्या सिस्टम? आने का तो अभी, पहले तो सिस्टम ठीक था, मगर अभी सिस्टम बहुत बेकार हो गया है। पहले की तरह नॉर्मल नहीं है। अब आने में जब से कोरोना आया है तब से बहुत दिक्कत है। जो छुट्टी है वो नहीं जल्दी आ पा रहा है, नए के बारे में तो समझना ही बेकार है फिलहाल। नया आना बहुत दिक्कत है, पूरी दुनिया परेशान है। आप जब पहली बार आया था, किसी एजेंट के थ्रू आया था या? नहीं, एजेंट नहीं, मतलब रिलेशन में थे, वो हमें बुलाए हैं। अच्छा अच्छा, रिलेशन। वो उनके थ्रू मैं आया हूँ। अभी किधर से आने में अच्छा है, एजेंट के थ्रू या ऑफिस से डायरेक्ट? अपना अपना वो है, अगर अपना आदमी है तो बेहतर, अपने आदमी के जरिए आए तो बेहतर है, बेहतर है। एजेंट वाला तो मामला ये है कि अगर लग बाई चांस का उड़ाया हेड या टेल, आए अगर उसमें हेड आ गया तब तो ठीक है, टेल आ गया तो फिर वही ले जाके बकरी चरवाएगा, बहुत मुश्किल है बकरी में। हाँ, उसे चरवाएगा। उधर तो बहुत गर्मी है, ना खाना पानी सही से मिलता है, व्यवस्था नहीं है। वो बस थोड़ा बहुत देख के, वो थोड़ा बहुत वो देख के छोड़ देते हैं, कोई खैरियत नहीं, कोई बात नहीं, मार रहे हो कि जी रहे हो। मतलब किस काम में आने से अच्छा है, जैसे कि आए तो इस काम में क्या, मतलब इंसान जो मतलब अपना सीखा रहेगा वही तो मतलब उसी काम में ना आना चाहेगा। हाँ, जिसमें टैलेंट है, जिस चीज की पढ़ाई वो किए है, अगर उसमें वो आना चाहता हो, इंजीनियरिंग किए हो और ये आपका क्या होते हैं बैंकिंग का काम किए हो, अगर उसमें आता है, उसमें लग जाता है तो बेहतर है। तो यहाँ तो बैंक में काम देने के लिए बोला के लोग बकरी में ले जाके डाल देते हैं बकरी चराने में, ये तो अपनी किस्मत है। जहाँ जो आया लग गया सही जगह, तो भाई उसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। जो नहीं लग पाता है अपनी जगह पे, वही मतलब बोलता है कि भाई सऊदी में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। सऊदी अच्छा भी है, किसी के लिए बुरा भी है, बुरा भी है, दोनों है। मतलब टैलेंट होना चाहिए। हाँ, टैलेंट होगा तो उसी काम में आएगा, तो उसको अच्छा है। मतलब सऊदी आने से पहले कुछ सीख के आए, कुछ सीख के आना बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ भी नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत दिक्कत है। हाँ,
वो अब उनकी मर्जी, चाहे जितने भी उठा के आपको डाल दें, क्या वापस ज्यादातर तो वापस नहीं भेजते इधर उधर कोई भी काम, मतलब अगले की भी मजबूरी रहती है, पैसा लगा के आता है वो भी सोचता है चलो ये नहीं तो ये ही सही कर ले। चलो ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके हाय भैया, हाउ आर यू? आई एम फाइन भैया, फाइन। आप कहाँ से? केरला से? केरला से, गुडसून कंट्री। गुडसून कंट्री, ब्यूटीफुल केरला, प्लेस इज गुड, केरला का बहुत आदमी इधर है, बहुत इधर दो तीन रुपए। हाँ केरला। और आपका कितना दिन हो गया इधर पे? फाइव इयर्स, सऊदी इज गुड। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है? इंडिया माफी गुड, इंडिया माफी गुड, माफी गुड। इंडिया का सबसे ज्यादा आदमी है केरला का, केरला का है, सऊदी बहुत पहले से। और सुख का अंदर तो बहुत सारा मतम केरला, मतम होटल, होटल पे है, होटल जी हाँ, केरला का सारा। मतलब अपना खुद का बिजनेस करता है, खुद का केरला राइस बिरयानी, राइस बिरयानी। तो आप जब पहले आया था किसी एजेंट के थ्रू आया था या ऑफिस से वीजा लेके आया था? ऑफिस से, ऑफिस से डायरेक्ट, केरला का ज्यादा आदमी डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा है। केरला में ऐसा एजेंट तो नहीं होता? सिलेक्ट नहीं हुआ है, वहां पे बस पूरा काम होता है ना, इंटरव्यू, इंटरव्यू है, इंटरव्यू ही आएगा ऑफिस में, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है। मतलब का उधर पूरा बेकार है, आप आना चाहते हो तो एजेंट को बोलो, वो तो बहुत पैसा लेता है। कितना लगता है लगभग आने में? 1 लाख, 1 लाख। और ऑफिस से 70,000-60,000, ऐसे में पूरा टोटल खर्चा लेके आ सकता है एजेंट वाला, इसमें से बहुत पैसा लेता है। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके भैया, थैंक यू। ये है सऊदी अरब की किराना स्टोर। ये हो गया मसाला। और ये चॉकलेट सऊदी इज क्या था मालूम? सऊदी ज्यादा बिग प्राइस ज्यादा, पूरा कम है। हां प्राइस पूरा कम है, इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा है। और इंडिया में ये सब मिलता भी नहीं होगा, इंडिया पैसा ज्यादा, पैसा ज्यादा मिलता है, पैसा ज्यादा है। एक ही दुकान में सब कुछ मिल जाएगा, दुकान के अंदर फ्रिज, एसी, सब कुछ है। मतलब दुकान के अंदर एसी है, जो जो मतलब सऊदी में बहुत गर्मी होता है ना, तो दुकान के अंदर एसी, एसी में सारा सामान रहता है ताकि खराब ना हो जाए। इंडिया से तो बहुत सारा सामान आता है, क्या क्या आता है इधर इंडिया से? इंडिया का सामान तो उधर क्या नहीं आता है, इंडिया तो वेजिटेबल आता है, वेजिटेबल इंडिया से बुला से चीज पूरा डेनमार्क का, तो सऊदी का बहुत चीज है, सऊदी का अपना खुद का है। इंडिया से क्या क्या आता है, जैसे कि मसाला वगैरह आता है? मसाला आ रहा है उधर से, मसाला का, विजय का मसाला आ रहा है, कश्मीर का भी, वो चिल्ली, चिल्ली का, चिल्ली कश्मीर चिल्ली आता है। मतलब हम लोग इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत कम करता है ना, एक्सपोर्ट का आता है दूसरा, वो कपड़ा कपड़ा आता है पूरे इंडिया से आ रहा है, कपड़ा इंडिया से, कपड़ा, कपड़ा सुपर मार्केट में वेजिटेबल आता है, फ्रूट्स का केला आ रहा है। हाँ इंडिया से। ओके भैया।